हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल अजीत ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी ऑपरेटर को अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है यूसीएल लॉगिन करने में, फ्रेंड्स बार बार अगर आप काट के भी दोबारा ऐप को खोल रहे हैं, यूसीएल क्लाइंट को खोलने के बाद में फिर भी आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके का एरर आ रहा है या फिर जो सर्वर एरर दिखा रहा है, तो ये एरर की मैं आपको समस्या का कारण बता दूँ। फ्रेंड्स, ये आपको क्या किस तरीके से करना है ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, बस जस्ट आपको क्या क्या ट्रिक अपनानी है, जो जो मैं आपको बताता हूँ वही फॉलो आपको करना है फ्रेंड्स, और आपका अभी हैंड टू हैंड 2 सेकंड में लॉगिन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सिस्टम पे चल के गए। ओके, लाइव डेमो। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। मैंने एक हाथ से फोन पकड़ रखा है और एक हाथ से माउस चला रहा हूँ, तो फ्रेंड्स इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। ओके, तो हमें क्या करना, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर विंडो टैब पे, ठीक है। विंडो टैब पे क्या सर्च करेंगे, सर्विस। ओके, सर्विस टाइप करेंगे। सर्विस में जाने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आधार एनरोलमेंट क्लाइंट। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिस्टार्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं रिस्टार्ट इसको कर रहा हूँ। ओके, ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको रिस्टार्ट कर लेने हैं, इनरोल सर्विस क्लाइंट, मल्टी प्लेटफॉर्म डिवाइस और जो नीचे वाला इसका नाम आधार QSSI TV, इसे भी रिस्टार्ट कर लेना फ्रेंड। तीनों को रिस्टार्ट करने के बाद में वन बाय वन रिस्टार्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और रिस्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको रिस्टार्ट होने देते हैं। जैसे रिस्टार्ट हो जाए फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद में हम अपना लैपटॉप थोड़ा 2-4 बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश करने के बाद में क्या करना हमें अपना सिस्टम अब रिस्टार्ट कर लेना फ्रेंड्स। रिस्टार्ट करने पर हम क्लिक करेंगे, रिस्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे रिस्टार्ट होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जैसे हमें अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर लेते। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारा लैपटॉप रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद में मैंने लॉगिन भी कर लिया, ठीक है। लॉगिन भी हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। ओके, लॉगिन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।